नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय इक्विटी स्कूल। हमारी चैनल में आपको स्टॉक मार्केट एडुकेशन के रिलेटेड वीडियोस देखने मिलेगी। आशा करती हूँ कि आपको हमारी चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि राकेश झुनझुनवाला क्यों बिटकॉइन बैन करने के लिए बोल रहे हैं इंडिया में, और बिटकॉइन ओनर्स के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों राकेश झुनझुनवाला जी के हिसाब से बिटकॉइन में हाईएस्ट ऑर्डर रिस्क है और हाई रिटर्न के चांसेस थोड़े कम है। इसीलिए उन्होंने रेगुलेटर्स को कहा है क्रिप्टो करेंसी बैन करने के लिए। इसी कारण इंडिया के बिटकॉइन इन्वेस्टर्स काफ़ी डरे हुए हैं। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं बिल जिसके हिसाब से बैन होने वाला है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी इनका यूज़। बिटकॉइन का प्राइस क्रैश हुआ है, लगभग 58,332 डॉलर के 17% से फॉल हुआ है, क्योंकि टेस्ला ओनर इलन मस्क और यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन इनके नेगेटिव कमेंट के वजह से। एसेट को बियर मार्केट में तब कंसिडर करते हैं जब 20% से ज़्यादा फॉल होगा उसके रीसेंट हाई से। इस मंडे एनालिस्ट ने कहा है क्रिप्टो करेंसीज में इनएफिशियंट अंडरटेकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन होता है। इस ट्विजरे को इंडिया के बिलीनियर इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला इन्होंने देखा क्रिप्टो करेंसीज में डेफिशिएंसीज है और रेगुलेटर्स को कहा है बैन करने के लिए इस डिजिटल एसेट का यूज़। राकेश झुनझुनवाला उनके मुताबिक आई थिंक रेगुलेटर्स शुड स्टेप इन एंड बैन बिटकॉइन। आई थिंक इट्स स्पेकुलेशन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। आई विल नेवर बाय बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी को सेव करने के लिए दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टर सपोर्ट कर रहे हैं बिटकॉइन को। बसंत महेश्वरी जो वेल नोन पोर्टफोलियो मैनेजर हैं इंडिया के, इन्होंने कहा है बिटकॉइन हैज़ द बेस्ट चांस टू रिप्लेस गोल्ड। दीपक शेनॉय कैपिटल माइंड से, वो भी क्रिप्टो करेंसीज के बैन के अगेंस्ट है। ट्विटर में हैशटैग इंडिया वांट्स क्रिप्टो ये ट्रेंड चल रहा है। सनराइज कैपिटल के क्रिस टैंटन, इन्होंने रीसेंट पॉडकास्ट में कहा है दिस टूल क्रिप्टो करेंसीज दैट वॉज सपोज टू लिबरेट द वर्ल्ड इज गोइंग टू क्रिएट मोर कंट्रोल। विद डिजिटल करेंसी देर इज नो मोर कैश, सो दे गवर्नमेंट्स कैन टैक्स एट एवरी पॉइंट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड द होल थिंग गेट्स टर्न ऑन इट्स हेड। स्टैंटन, इन्होंने ये भी कहा है क्रिप्टो करेंसी हुज इन्वेंशन वॉज सपोज टू लिबरेट द मासेस बाय डिसेंट्रलाइजिंग करेंसी हैज़ बिकम एन इवन बेटर वेपन फॉर गवर्नमेंट्स टू कंट्रोल द फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब उनके हिसाब से गवर्नमेंट के फाइनेंशियल सिस्टम को हैंडल करने के लिए क्रिप्टो करेंसी होना बहुत ज़रूरी है। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में समझना है तो माई इक्विटी स्कूल की तरफ से 16 टाइप के बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है जो बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों, एवरी संडे को जूम वेबिनार में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अटेंड करने मिलेगा। अगर आप इन कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बने रहे हमारी YouTube चैनल माई इक्विटी स्कूल के साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।